हेलो दोस्तों, यह है ओवरहेड टैंक का बॉटम डोम। इसका सेफ डोमिकल होता है। अच्छा, डोमिकल सेफ देने का रीज़न ये है कि इसके बॉटम पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। जो भी प्रेशर आए बीम से होते हुए सीधे कॉलम से ज़मीन पे ट्रांसफ़र हो जाए, इसीलिए इसका सेफ डोमिकल होता है। जितने भी टैंक होते हैं ओवरहेड टैंक, सभी में डोमिकल सेफ दिया जाता है। इससे इस पर ज़्यादा लोड नहीं आता है और ये डैमेज नहीं होता है। इसकी स्टील बन चुकी है, ये देखिए फोरमैन किस तरीके से बता रहा है। इसकी स्टील चेकिंग के लिए इंजीनियर हैं। इसका डोमिकल सेफ बता रहे हैं क्या है। अच्छा, डोमिकल सेफ का कास्टिंग करते टाइम हमेशा कोनवाल को एक साथ में करते हैं, जिससे कि इन लोगों का कनेक्शन एक साथ में अच्छा हो। दोनों की सरिया बॉटम रिंग बीम में बनते हैं। बॉटम रिंग बीम बनने के बाद इसकी कास्टिंग की जा रही है। इसमें बालकनी और वर्टिकल वॉल की सरिया अभी बांधने बाकी है। दोनों होने के बाद कास्टिंग किया जाएगा। कास्टिंग एक साथ, यह बॉटम रिंग बीम देखिए किस तरीके से कनेक्ट है सभी सरिया। इसकी आज फुल चेकिंग होगी, इसके बाद कास्टिंग है। एक कास्टिंग के लिए रेडी हो चुका है। देखिए अभी भी कोनवाल की सरिया कुछ बचा हुआ है जो ये लोग बांध रहे हैं। अब इसके डोम की हाइट चेक किया जा रहा है। इसके डोम की हाइट ठीक है या नहीं है। मेन ओवरहेड टैंक में डोम इसका सेफ ही मायने रखता है। सेफ प्लस स्टील भी इसकी अच्छी होनी चाहिए। स्टील बांधने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। ड्राइंग के अनुसार ही इसकी स्टील बांधनी चाहिए। अक्सर गलतियां हो जाती हैं इसके सेफ में गलतियां होने के बाद देखिए किस तरीके से फोरमैन, अच्छे फोरमैन है, काम अच्छा किया हुआ है। ये कास्टिंग के लिए पास हो चुका है। आप सीधे उतरी जाए।